हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो हम कॉलेज में एडमिशन जो है वो प्रोसेस स्टार्ट कब हो जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत पड़ेगी, सीयूईटी एग्जाम जरूरी है या फिर नहीं, दूसरी बात क्या परसेंटेज के हिसाब से आपको सीट्स वहां पर मिल जाएंगी, क्या सीयूईटी एग्जाम देना जरूरी है या फिर नहीं, आज हम यही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। यहां पर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, उससे पहले अगर आप नए हो तो हम रोजाना ऐसी तरीके से अपडेट देते हैं स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन करना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सबसे पहले सीयूईटी का एग्जाम जो था वो कश्मीर यूनिवर्सिटी ने विड्रॉ किया। जितने भी कश्मीर यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस आते हैं हर किसी डिस्ट्रिक्ट में, ओके, जितने भी जम्मू कश्मीर में कॉलेजेस आते हैं अंडर कश्मीर यूनिवर्सिटी या फिर जम्मू यूनिवर्सिटी, तो वहां पर आपको एडमिशन जो है सीयूईटी के बेसिस पर एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपने सीयूईटी दिया तो आपको फायदा ही होगा, क्यों होगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अगर नहीं दिया तब भी आपको ठीक है, क्योंकि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एक अनाउंसमेंट की है कि सीयूईटी का जरूरी नहीं है, आपको आराम से अपना अपना सब्जेक्ट मिल सकता है। दूसरा सवाल यहां पर यह है कि स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मुझे 50% क्या मुझे जो अपना सब्जेक्ट है वो मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कर सकते हो कॉलेज में, क्योंकि इस साल उन्होंने 500 स्टूडेंट्स को अलाउ किया है हर किसी कॉलेज में। अगर 500 एबो कोई आ गया तो उसको फिर एडमिशन नहीं मिल जाएगा, उसको जो ईयर है वो जाया हो जाएगा। और जितना हो सके उतनी जल्दी कर सकते हो आप एडमिशन में, क्योंकि आपको ही फायदा मिल जाएगा। तीसरी बात यह है कि सीयूईटी अगर आपने दिया है तो आपको क्या फायदा मिलेगा? ओके, देखो, अगर आपने सीयूईटी का एग्जाम दिया है तो आपको ये फायदा मिलेगा कि अगर आप टॉप रैंक पर आ गए तो आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी के बाहर जो जम्मू यूनिवर्सिटी होती है या फिर जो हमारी आईयूएसटी होती है या फिर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, एएमयू, वहां पर कोई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आपके रैंक अच्छी होगी तो। अदरवाइज अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे कश्मीर में ही रहना है, तो आप कश्मीर में किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक, दूसरी बात यह है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि पहले क्लस्टर यूनिवर्सिटी से जो एडमिशन ले रहे थे पहले तो उनको मेरिट बेस्ड रहता था। 2021 में वहां पर एंट्रेंस होता था, ओके, 2022 में वहां पर मेरिट बेस्ड हुआ था, और इस साल उन्होंने अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली है कि क्या हम एंट्रेंस लेंगे या फिर क्या हम जो स्टूडेंट्स को हम मेरिट बेस्ड ही यहां पर सिलेक्शन करें, अभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओगे, चाहे आप कश्मीर यूनिवर्सिटी जाओगे या किसी और यूनिवर्सिटी में जाओगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी भी कोई एडमिशन नोटिफिकेशन जारी नहीं की। अब रहा सवाल कि कब आ जाएगा नोटिफिकेशन, सीयूईटी का एग्जाम कब आ, सीयूईटी का एग्जाम जो है आपने दिया, आंसर की भी आपने देखी होगी, आपको अंदाजा होगा कि मुझे कितना कितने पॉइंट्स आ गए और किस कॉलेज में मुझे एडमिशन हो सकता है। ओके, ये सेपरेट क्वेश्चन है, लेकिन एडमिशन जो होगा 15 डेज के बाद ही आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट जो है 12th क्लास के मार्क्स कार्ड, जेरॉक्स कॉपी, आपको आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और साथ ही साथ आपको जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, डीसी जो आप कहते हो, जो हायर सेकेंडरी में आपको लानी है, वो आपको वहां कॉलेज में भरनी पड़ेगी। और फीस जो है वो 8000 रुपीज है फीस कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी का मुझे पता नहीं है, क्योंकि कश्मीर यूनिवर्सिटी से मैं भी वही पढ़ता हूं, इसीलिए मैं वहां थोड़ी सी जानकारी मैं वहां की जानता हूं। ओके, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। भाई को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।